तो कांग्रेस की देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, भारत जोड़ो नई यात्रा को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा रुख वहीं का करेंगे, क्या कुछ कहना है जरा सुनिए राजधानी जयपुर के पीसीसी से। आज हमारे बीच में हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अलका लांबा जी आई हैं। मैं इनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे रूबरू अलका जी होंगी, ये अपनी बात कहेंगी, उसके बाद में मैं दो बात आपसे करूंगा, उसके बाद में अगर आपके कोई सवाल जिस किसी से भी होंगे उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लंबी बात नहीं करके अलका जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें। अलका, आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात को रखूं, उससे पहले एक चार पन्नों की बुकलेट है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मैं अध्यक्ष जी से और तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है। पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे हैं, अब अलका लांबा को आप सुनिएगा। दरअसल पूरे ही देश भर में सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कांग्रेस। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूं, आप सभी निकालकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस प्रेस वार्ता जो आज राजस्थान कांग्रेस भवन जयपुर में आयोजित की जा रही है उसमें आप आए, आपका धन्यवाद। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे सम्मानित परिवार के कांग्रेस के सदस्य सभी मंच पर हैं, उन सबकी तरफ से आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रेस वार्ता का मकसद है देश में 14 माइक ले ले वो वाला, मुझे लगता है कुछ अभी ठीक है, धन्यवाद। आज देश के लगभग सभी राज्यों की राजधानी में, ठीक जैसे मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूँ, प्रेस वार्ता हो रही है। और ये जो आज हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा चार पन्ने की बुक रिलीज की है उसी से संबंधित प्रेस वार्ता है। पहली यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी 2022 को, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफल एक यात्रा रही। कन्याकुमारी से कश्मीर में लोग जुड़े उसमें, उसी की मांग को देखते हुए कि पूर्व से पश्चिम की भी यात्रा की जाए, कोई भी राज्य छूटना नहीं चाहिए। अब दूसरी यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से पूर्व से पश्चिम गुजरात होते हुए महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचेगी। 14 जनवरी 2024 को यात्रा शुरू होगी और 20 मार्च 2024 को मुंबई में समापन होगा। ये यात्रा लगभग 6713 किलोमीटर चलेगी। इस यात्रा में 110 जिलों से ये गुजरेगी, ये यात्रा 15 राज्यों से गुजरेगी। पहली यात्रा भारत